एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायजूस एक बार फिर चर्चा में है। इस बार खबरों में आने की वजह है छटनी। बायजूस अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका देने जा रही है। कंपनी ने बड़ी संख्या में अपने एम्प्लॉय को निकालने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 2500 कर्मचारियों की छटनी का प्लान तैयार किया है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बायजूस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। भारत की सबसे वैल्यूएबल एडटेक कंपनी बायजूस ने मार्च 2023 तक फिर मुनाफे में आने का प्लान बनाया है, जिसके चलते कंपनी अपने वर्कफोर्स में कमी करते हुए 6 महीने के अंदर 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। कंपनी के मुताबिक वो अपनी मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने पर काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में स्टार्टअप ने करीब 1100 लोगों को निकाला था। फायरिंग की खबरों के बीच बायजूस बड़ी संख्या में हायरिंग का भी प्लान बना रही है। कंपनी की सह संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ का कहना है कि हम देश और विदेश में करीब 10,000 शिक्षकों की हायरिंग करने जा रहे हैं। वहीं आने वाले सालों में भी कुल 30,000 शिक्षकों की और भर्तियां होंगी। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड बायजूस ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021 के परिणामों का ऐलान किया था। कंपनी की ओर से नतीजों का ऐलान करते हुए बताया गया था कि वित्त वर्ष 2020 में 231 करोड़ 69 लाख रुपए के मुकाबले बायजूस का घाटा करीब 20 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ रुपए हो गया। अब इससे उबरने के लिए कंपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पर इस बड़ी छटनी की तैयारी कर रही है। अगर नुकसान की बड़ी वजह की बात करें तो पहला कारण कोविड-19 महामारी का असर कम होने के बाद ऑनलाइन बिजनेस पर बड़ा असर पड़ा है। यहां तक के ऑफलाइन एंटिटी आकाश और ग्रेट लर्निंग भी खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह एग्रेसिव सेल्स प्रैक्टिस। बायजूस के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में कंपनी के 200 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर हैं, जिसे वो इस साल के अंत तक 500 तक ले जाना चाहती है। वही कंपनी का दावा है कि दुनिया भर के 120 देशों में उनके पास 15 करोड़ से ज्यादा लर्नर्स हैं जो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद ना नुकसान रुक रहा है और ना छटनी। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बायजूस की रणनीति कितनी सफल होती दिखेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।